हेलो दोस्तों, आज 26 जून 2023 है और आज बात करने जा रहे हैं आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो आज है जो मेन पृष्ठ, जनसत्ता को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आज के मेन पृष्ठ पे जो न्यूज़ है, भारत और मिस्र में रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर समझौता। अभी आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के बाद क्या है, मिस्र गए हैं और वहाँ के जो उसके राष्ट्रपति जो है, जिनका नाम है अब्दुल फतह अल सीसी, उनके साथ बहुत सारे बातों पर क्या है हस्ताक्षर हुआ है। दोनों के बीच क्या है बात बनी है, जैसे सुरक्षा हो गया, रक्षा हो गया, निवेश हो गया, ये सब के लिए क्या है उन दोनों के बीच दस्तखत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति, जिसका नाम है अब्दुल फतह अल सीसी, वही है जो रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे इंडिया के। इस बार सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर विशेष रूप से जोर देते हुए व्यापक बातचीत किए हैं। मोदी और अल सीसी ने राजनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग, रक्षा सहयोग, व्यापार एवं और निवेश संबंधों, वैज्ञानिक और शैक्षणिक आदान प्रदान तथा दोनों देशों की जनता के स्तर पर संपर्क को मजबूत करने के लिए व्यापक बातचीत के बाद रणनीतिक साझेदारी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपको मेन पृष्ठ का क्या है न्यूज था कि दोनों के बीच क्या है, बहुत सारे बातें पे क्या है हस्ताक्षर हुए हैं, दोनों के बीच क्या है ना बातें बनी। देखिए, दिल्ली मुंबई में 62 साल बाद एक साथ क्या है मानसून का क्या आगमन हो चुका है, ये सब के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, बुनियादी ढांचे में बनाने में पाक सेना की मदद कर रहा है चीन। देखिए, ये अभी खुफिया जानकारी क्या है मिला है कि जो चीन जो है, जो कि पाकिस्तान का बहुत ही क्या है ना अच्छा जो दोस्त जो है वो क्या कर रहा है, इसके बारे में बात करते हैं कि बुनियादी ढांचा बनाने में पाक सेना की मदद कर रहा है चीन। देखिए क्या हुआ कि चीन पाकिस्तान सेना को मानव रहित विमान, लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने, संचार टावर स्थापित करने और नियंत्रण रेखा पर भूमिगत केबल बिछाने के अलावा रक्षा बुनियादी ढांचों के निर्माण में भी मदद कर रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो चीन जो है वो अपने आप को जो है बहुत अच्छा क्या ना सदाबहार दोस्त बनाने का कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को, और हर तरीके से वो मदद कर रहा है। जो भी पाकिस्तान का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें भी क्या है चीन के जो सेना है उसका वहाँ पे क्या है ट्रेनिंग चल रहा है, और वो जो है पाकिस्तान आर्मी को वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये बात है, और वो हमेशा पाकिस्तान को अपने पक्ष में मिलाते रहता है क्योंकि वो इंडिया के साथ क्या है पाकिस्तान का रिश्ता ख़राब है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहता है, और चीन जो है इसी तरीके का फ़ायदा उठाने के लिए वो फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं जो छोटे छोटे क्या ये सब क्या न्यूज थे, लेकिन ये सब के बारे में हम ज़्यादा क्या ना डिस्कशन नहीं करेंगे जो इम्पोर्टेंट। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या ना एक चीज़, एक न्यूज क्या है, इसको हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से क्या ना डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल का न्यूज है, इसमें क्या है इसके बारे में हम क्या है यहाँ पे जानकारी लेते हैं। देखिए क्या है, रूस को घेरा गया है। देखिए क्या है, आपको पता होगा कि यूक्रेन और क्या ना रूस का युद्ध का एक साल के भी से भी ज़्यादा क्या ना हो गया है, और उसमें क्या है कि बहुत सारे क्या ना रूसी सेना और बहुत सारे यूक्रेनियन सेना क्या है वो मारे गए हैं। जिसमें यहाँ पे क्या हुआ कि आज का जो न्यूज जो है उसमें रूस के जो है व्लादिमीर जो पुतिन जो है, रूस के जो राष्ट्रपति है, उनके घर में ही क्या ना गृह युद्ध क्या ना छिड़ गया है। देखिए ये क्यों छिड़ा है, कैसे छिड़ा और किसने छिड़ा है, इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यूक्रेन पर हमले के बाद क्या है रूस के पहली बार अपने ही घर के भीतर से बहुत भारी चुनौती मिली है। अब वहाँ देखिए, वहाँ के एक भाड़े का एक सैनिक है, याद रखिए, वहाँ जैसे प्राइवेट आर्मी है रशिया में, जैसे एक प्राइवेट आर्मी है जिसका उसको बोलते हैं वैगनर, क्या बोलते हैं उसको वैगनर, याद रखिएगा। जो रशिया का जो प्राइवेट आर्मी है, जो भाड़े पर क्या है आर्मी रखती है, जिसका नाम है वैगनर ने क्या है कि रूसी प्रशासन के खिलाफ कहना बगावत कर दिया है। तख्ता पलट की घोषणा के साथ ही वैगनर की जो टुकड़ियां जो है वो मॉस्को की तरफ क्या कुछ कर गई थी। स्वाभाविक ही है, इससे व्लादिमीर पुतिन प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि पुतिन ने क्या है कुशल रणनीति के साथ इस बगावत को शांत करने में कामयाबी हासिल कर ली है, मगर उसकी मुश्किलें समाप्त नहीं हुई है। अब उसके बाद करते हैं कि पहले कहा गया है कि पुतिन ने बलपूर्वक वैगनर सेना की बगावत को कुचल डाला है, लेकिन बाद में खबर आया है कि वैगनर के शर्तों के सामने पुतिन प्रशासन को झुकना पड़ा है। अब बात करते हैं कि खबर है कि रूसी रक्षा मंत्री को उनके पद से हटाया जा सकता है। खबर तो यह भी आई है कि पुतिन ने मॉस्को छोड़ने का फैसला भी कर लिया है, मगर क्या है ये गलत है। दरअसल यूक्रेन पर हमले से रूस ने वैगनर सेना के लड़ाकों को भारी संख्या में तैनात किया था। पिछले दिनों वैगनर प्रमुख, याद रखेगा, जो वैगनर सेना के जो प्रमुख है जिसका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन,
प्रिगोजिन ने आरोप लगाया है कि रूसी सेना प्रमुख उसकी रणनीति में बेजा दखल दे रहे थे, उन्हें तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए। मगर पुतिन प्रशासन का सकारात्मक रुख नजर नहीं आया, तो क्या है, प्रिगोजिन ने वैगनर सेना को मॉस्को की तरफ कूच करने का आदेश दे दिया है। बता दें कि यही वैगनर सेना में 25,000 से 30,000 लड़ाके सैनिक है, बहुत ज्यादा है, 25,000 से 30,000 लड़ाके सैनिक है, और वो भी जो है अत्याधुनिक हथियारों से क्या है लैस है। वैगनर के मॉस्को की तरफ कूच करते ही पुतिन ने वहां के टेलीविजन पर जनता को संबोधित कर दिया है कि वैगनर की बगावत को देशद्रोह बताया गया है। इसके साथ ही आतंकवाद निरोधक कानून लागू कर दिया गया है और वैगनर के खिलाफ रूसी सेना को सड़क पर उतार दिया है। आखिरकार वैगनर प्रमुख ने अपनी टुकड़ियों को मॉस्को कुछ से रोक दिया है। तो ये बहुत ही क्या है ना, बड़ा क्या है ना ये न्यूज है कि यहाँ रूस के जमीन में, रूस के घर में अपने ही लोग क्या है लड़ाई करने पे मजबूर आ गए हैं। और सबसे लड़ाई करने में क्या है, वैगनर जो वहाँ के प्राइवेट आर्मी है, उन्होंने ही अपने सरकार के खिलाफ क्या है ना युद्ध छेड़ दिया है। इसलिए जब वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन ने तख्ता पलट की घोषणा कर दी तो रूसी आवाम से भी उसका समर्थन देखा गया। क्योंकि देखिए रूसी आवाम जो लोग जो थे, जैसे यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध हुआ, तो बहुत सारे रूसी जो आवाम जो है वो क्या है रूस के सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो इससे खपा थे कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध में भारी क्या है सेना भी मारे गए हैं, बहुत ज़्यादा संपत्ति का भी लॉस हुआ है। इस वजह से रूस के जो जनता जो है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन जब वैगनर सेना ने क्या है, वैगनर ने क्या है इसके खिलाफ क्या है जब युद्ध का मोर्चा जब खोला, तो उनको समर्थन क्या है मिलने लगी। और इस तरह सिर्फ पुतिन के अजय होने का तिलरिम टूट गया, बल्कि यूक्रेन में भी उनकी स्थिति कमजोर और जटिल हो गई है। तो ये बहुत ही क्या ना इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आजकल क्या ना चल रहा था, जिसको हम यहाँ पे क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा क्या है आपको रशिया यूक्रेन युद्ध तो क्या है बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट, देखिए मॉस्को कुछ रोकने वाले बागियों को मिलेगी माफी, ये सब क्या है वही सब चीज़ है। ये सब क्या, मॉस्को जब क्या है ना निकल गए थे, फिर क्या है ना उनको मना किया गया है, फिर वो आधे रास्ते से क्या है ना ये मुड़ गए हैं। अब बेलारूस क्या है ना वो जाने वाले हैं, अब देखिए क्या होता है। अगला न्यूज क्या है ना हम यहाँ पे आगे डिस्कशन करेंगे। और आगे हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा न्यूज आज के अखबार में था, जो भी क्या है न्यूज था उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं डिस्कस करेंगे। और जो भी हिंदी एडिटोरियल भी अब हम यहाँ पे करने लगे हैं, एक यहाँ पे भारत को मिस्र से मुक्त व्यापार समझौते पर विचार करना चाहिए। देखिए एक चीज़ है कि यहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA जिसको बोलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, देखिए क्या हुआ कि भारत जो है वो मिस्र के साथ क्या है ना व्यापार समझौते पर क्या है ना व्यापार अति करना चाहिए। देखिए क्या है कि निर्यातकों का क्या कहना है कि भारत को मिस्र के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि वहाँ कृषि उत्पाद, इस्पात की वस्तुएं और हल्के वाहन जैसे क्षेत्रों में घरेलू उद्योग के लिए भारी संभावनाएं हैं। देखिए भारत का मिस्र का निर्यात अगर देखा जाए तो 21-22 में 33.74 अरब डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 4.1 अरब डॉलर हो गया है। हालांकि मिस्र से निर्यात 2021-22 में 3.5 अरब डॉलर से घटकर 22-23 में लगभग 2 अरब डॉलर रह गया है। मिस्र से आयात होने वाले प्रमुख वस्तुओं में उर्वरक है जो आयात होता है। देखिए आयात मतलब आ रहा है, निर्यात मतलब जा रहा है। तो मिस्र से जो चीजें क्या क्या आ रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे उर्वरक है, कच्चा तेल है, रसायन है, कच्चा कपास है, कच्ची खारे यही सब है। और यहाँ निर्यात होने वाली जो है प्रमुख वस्तुओं में जैसे गेहूं हम भेजते हैं, चावल हो गया, कपास का धागा हो गया, पेट्रोलियम, मांस और लौह वस्तुएं, ये सब क्या है ना प्रमुख है। क्योंकि मिस्र अफ्रीका का यूरोप, देखिए क्या हो रहा है कि मिस्र बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मिस्र को अगर हम देखने जाए तो अफ्रीका और यूरोप का क्या है एक तरीके से एंट्री पॉइंट है। तो इंडिया के लिए क्या है ना ये काफी कहना है महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे क्या है मतलब वो होना चाहिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हो जाए तो दोनों के देशों के बीच क्या है ना व्यापार और ज्यादा बढ़ेगा। देखिए 26 से 28 जून के बीच ऋषिकेश में होगी G20 की समूह की बैठक, ये तीसरी बैठक क्या ना होने जा रही है आपको ऋषिकेश में होगी उत्तराखंड में G20 की बैठक। यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हर एग्जाम के लिए क्या है ना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हर इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ क्या है ना सम्मान होते हैं जो हर देश का स्पेशल होता है। तो अभी क्या है ना नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र गए हैं, तो उन्होंने उनको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। मिस्र का जो सर्वोच्च सम्मान जो है, सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा अवार्ड है, उससे नवाजा गया है। तो हम बात करते हैं कि कौन सा सम्मान जो है सबसे बड़ा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को यहाँ मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी ने देश के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल, याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ द नाइल क्या है वो सबसे सर्वोच्च सम्मान है किसका,
मिस्र का सबसे सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। वर्ष 1915 में इसको क्या ना शुरुआत किया गया था। यह सम्मान उन राष्ट्राध्यक्ष राजकुमारों और उपराष्ट्रपतियों को दिया जाता है जिन्होंने मिस्र या मानवता की अमूल्य सेवा की हो। विभिन्न राष्ट्रों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया यह 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान। याद रखिएगा कि 13 देशों से इनको इस तरीके का हाइएस्ट अवार्ड मिला है। 13 देशों से हाइएस्ट अवार्ड इनको मिला है नरेंद्र मोदी को। देखिए ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है वो शुद्ध सोने का बना होता है जिसमें वर्गाकार स्क्वायर पीस में क्या होता है सोने की 3 इकाई शामिल होती है जिनमें मिस्र पर शासन करने वाले बादशाह जिसका नाम क्या था फिरौन जिसको फराओ भी बोलते हैं के प्रतीक शामिल है। पहली इकाई जो है 3 इकाई है तो पहली इकाई जो है राष्ट्रों की बुराई से बचाने का विचार पेश करती है जबकि दूसरी इकाई जो है वो नील नदी द्वारा लाई गई समृद्धि एवं खुशी का प्रतीक है और तीसरी इकाई जो है धन एवं सहनशीलता को संदर्भित करता है। तो 3 इकाई बारे में क्या है यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अब देखिए यहाँ बात करते हैं कि जो नरेंद्र मोदी वहां गए थे तो वहां प्रथम विश्व युद्ध में जो भी शहीद हुए थे भारतीय सैनिक उनको भी श्रद्धांजलि क्या है वो दिए थे। तो याद रखिएगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध में 4000 भारतीय सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में मिस्र और फलस्तीन में लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। तो यहाँ पे उन्होंने वहां पे आपको बात करें तो काहिरा जो है मिस्र की राजधानी है वहां का जो अल हकीम मस्जिद है उनका भी दौरा किए थे। हम इसके बारे में भी हम बताए थे कि हकीम मस्जिद जो है वहां का ऐतिहासिक क्या ना मस्जिद है उसमें भी क्या है दौरा किए हैं और वहां एक बोहरा समाज है जो पूरा तरीके से क्या ना इंडियन थे उससे भी क्या ना मुलाकात क्या है इन्होंने किया है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा कि और क्या है न्यूज। तो हमारे समझ से इसमें क्या और ज्यादा न्यूज नहीं है लेकिन क्या है ना कुछ हम एक और न्यूज पेपर हम यहाँ पे क्या ना डिस्कस करेंगे। कुछ एक न्यूज पेपर है जिसका हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जहां पे हमको पता चलेगा कि क्या है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो 13 जो सम्मान मिला है नरेंद्र मोदी को 13 वो पूरे देश से मिलकर क्या ना सम्मान मिल चुका है। तो 13 सम्मान कौन कौन से हैं इसके बारे में क्या करेंगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबका कि कहाँ कहाँ से इनको कौन कौन से सम्मान मिला है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। हर जगह वही है मिस्र के साथ क्या है गए हैं। तो हाँ देखिए अब यहाँ पे देखिए इसका क्या है देखिए यहाँ पे बात करते हैं। हाँ देखिए 9 वर्ष में क्या हुआ है कि 9 वर्षों में विदेशों से प्रधानमंत्री को मिला 13 सम्मान। देखिए जिसमें पहला जो है सम्मान क्या है पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू जो है वो आपको पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान है। दूसरा जो है आपको फिजी का द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी का है द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर। तीसरा जो है वो आपको क्या है प्लाउ गणराज्य का एबाकल पुरस्कार है। फोर्थ नंबर है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको ऑर्डर ऑफ द डुक गयाल पे बोलते हैं फिफ्थ है अमेरिकी सरकार द्वारा लीजन ऑफ मेरिट जो है वो फिफ्थ अवार्ड है। बहरीन द्वारा किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रिनेसांस याद रखिएगा। 6 नंबर है बहरीन द्वारा किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रिनेसांस। 7 नंबर है मालदीव का द ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशा इजुद्दीन। 8th नंबर है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू जो है वो आपको 8th नंबर है। संयुक्त राज्य अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड है जो 9 नंबर है। और 10 नंबर है फिलिस्तीन का द ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड। 11 नंबर है अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमनुल्लाह खान। अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान। 12 नंबर है सऊदी अरब का ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद। सऊदी अरब का है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद। ये 12वां नंबर। 13 नंबर का मिस्र का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम ऑर्डर ऑफ नाइल जो हाल ही फिलहाल में दिया गया है। तो ये आपको 13 सम्मान पाने वाले क्या है ना ये मोदी जो है वो सर्वाधिक सम्मान पाने वाले क्या है प्रधानमंत्री क्या है बने हैं। 13 इनको क्या ना सम्मान मिला है। तो आज ज़्यादा न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं था ज़्यादा न्यूज खास नहीं था जो भी न्यूज था वो आपको क्या है यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।